तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई नॉलेज। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताता हूँ कि कैसे एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें एक तो इमेज फाइल चाहिए रहती है, विंडोज़ की ISO फाइल। उसे वो हम लोग को हमारे पास होनी चाहिए उसको, जिससे हम एक पेन ड्राइव में उसे बूटेबल बना सके। पहले हमें जो फाइल को ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने फाइल को। यह फ्रेंड्स हमारा विंडोज 7 का ISO फाइल, जिसे हमें अभी बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। हम इसे राइट क्लिक करके, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए विनरार। ये अक्सर सभी के कंप्यूटर में होता है, नहीं हुआ तो आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन जहाँ दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिमूवल ड्राइव, जो फ्लैश ड्राइव है, इसे सेलेक्ट कर लेनी है और इसे ओके कर देना है। फ्रेंड्स, ये जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो ये हमारा जो पेन ड्राइव है वो रेडी हो जाएगा, जिससे हम अपने जो भी कंप्यूटर है फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा ये 100% हो जाएगा, तब हमारा जो पेन ड्राइव है वो रेडी हो जाएगा, और इससे हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं इसे हो जाने देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो पेन ड्राइव है वो रेडी हो गया है। क्लिक करके देखेंगे तो हमारा जो भी फाइल्स है, विंडोज़ की फाइल्स, वो सब रेडी हो गई है। यहाँ हमारे वीडियो का एंड होता है। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। बाय।